वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस समय की गुड न्यूज जो है वो तमाम ड्राइवर्स को लेकर सामने आ रही है। जितने भी ड्राइवर इस समय हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान जो है वो हिट एंड रन कानून को लेकर जो है वो किया गया है, जिसमें आपको बताते चलें कि पिछले दिनों जो हिट एंड रन के नए कानून को लेकर हर जगह पर जो है वो आंदोलन देखने को मिले, और ऐसे में खासकर जो ट्रक चालक हैं या फिर जो टैंकर चालक हैं उनके द्वारा जो है वो लगातार हर जगह पर पूरे दुनिया भर में जो है वो आंदोलन जारी था। और ये कहा जा रहा था कि हिट एंड रन का जो कानून जो है वो लाया गया था उसे जो है वो वापस किया जाए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उस पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उस पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अभी फिलहाल हमने इस पर जो है वो रोक लगा दी है। लेकिन जो इस समय की गुड न्यूज जो है वो तमाम ड्राइवर्स को लेकर सामने आ रही है कि हिट एंड रन का जो कानून था उसे जो है वो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको ये इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जम्मू ट्रिब्यून जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी ड्राइवर्स इस समय हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है जो कि हम आप तमाम लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले जो तमाम जो ट्रक चालक हैं या फिर टैंकर चालक हैं, यानी कि कोई भी गाड़ी अगर आप चलाते हैं और अगर आप ड्राइवर हैं तो ये खबर जो है वो आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाली है, क्योंकि हिट एंड रन का एक ऐसा कानून जो है वो नया बनाया गया था जिसमें अगर आप किसी को भी हिट करके जो है वो चले जाते थे, आपकी गाड़ी का कोई भी किसी के साथ जो है वो एक्सीडेंट हो जाता था, तो उसमें आप लोगों को लगभग 7 लाख के करीब का जुर्माना जो है वो आपको किया जाना था और साथ साथ 10 साल की सजा का प्रावधान उसमें रखा गया था। लेकिन जो इस समय की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हिट एंड रन के कानून को लेकर एक ये कहें कि बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है, जिसमें हिट एंड रन कानून को अभी फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स हैं उनका भी जो है वो उन्होंने जिस तरह से लगातार, चाहे वो टैंकर चालक हो तो वो भी हड़ताल पर जो है वो रहे, चाहे वो जम्मू हो, कश्मीर हो या फिर भारत का कोई भी कोना हो, वहाँ पर लगातार जो है वो टैंकर चालकों ने सबसे पहले इसमें जो है वो पहल करी थी। और उसके बाद काफ़ी सारी जगहों पर जो है वो पेट्रोल और डीजल की कमी भी और कई सारे पेट्रोल पंप भी जो है वो बंद देखने को मिले थे, लेकिन ऐसे में बाद में सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम इस पर फिलहाल जो है वो रोक लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों के दिलों में, खासकर जो लोग गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर फोर व्हीलर गाड़ी हो, ट्रक हो या फिर कोई भी गाड़ी अगर आप चलाते हैं, अगर आपका लाइसेंस है, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों में एक वहम सा था कि जनाब अब इसे रोका है तो आगे के लिए शायद इसे पास ना कर दिया जाए, कि जिसके चलते जो लोग हैं वो जो हो परेशानी का सामना करना पड़े। खासकर जो ड्राइवर लोग थे उनका ये कहना था कि उनके पास अगर इतनी इनकम नहीं है तो वो कहाँ से जो है वो 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भरेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के आगे लगातार वो लोग ये फरियाद लगाए बैठे थे कि जनाब हिट एंड रन का जो कानून है इसे जो है वो पूरे तरीके से बंद कर देने की, इसे जो है वो नहीं पास किया जाना चाहिए। लेकिन जो इस समय की ताज़ातरीन अपडेट जम्मू ट्रिब्यून आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि हिट एंड रन कानून को लेकर जो लगातार पूरे भारत भर में जो है वो चर्चाएं चल रही थी वो फिलहाल अब जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ा शुक्रिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी करना होगा, जिन्होंने तमाम जो ड्राइवर लोग हैं उनकी फरियाद को सुना है। और कहीं ना कहीं ये उस बात का, जिस तरह से लगातार आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहे थे, और इस बात का एहसास जो है वो उन्हें भी हुआ है कि कहीं ना कहीं जो है वो जो उन्होंने कानून जो है वो नया कानून लाया है वो जो है वो सही नहीं है, और जिसके चलते इस कानून को जो है वो उनके द्वारा फिलहाल के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और आप सब लोग भी इस पर अपनी राय जो है वो ज़रूर दे सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो है वो हिट एंड रन कानून को लेकर जो हर जगह पर आंदोलन देखने को मिल रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं उस पर जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो कोई भी गाड़ी होती हो, कोई भी गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो वो ये तमाम उन लोगों पर जो है वो कानून जो है वो इंप्लीमेंट होता था। लेकिन अब जिस तरह से आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि हिट एंड रन कानून जो है वो फिलहाल जो है वो उसे सस्पेंड कर दिया गया, तो आप जनता भी अपने इस फैसले को लेकर ज़रूर राय दीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक ये हिट एंड रन कानून को लेकर जो फैसला लिया गया है ये सही है या फिर गलत है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह।